जैन साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आपके संज्ञान में होगा या संज्ञान में नहीं है तो आपको बताना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी ने 2024-25 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और उसमें आपको एक बहुत बड़ा आंकड़ा पदों का देखने के लिए मिला है जो लगभग 40,000 के करीब है। बच्चों, आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना कि यह वैकेंसी 40,000 ही है। आपने विगत वर्ष परीक्षा में मतलब एसएससी का नोटिफिकेशन देखा होगा, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तब तक उनकी पदों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे 2023-24 का कैलेंडर था, उसमें जो नोटिफिकेशन था एसएससी जीडी का, उसमें आपने देखा था 25-26 हज़ार समथिंग एसएससी जीडी की वैकेंसियाँ थी, लेकिन जब तक एग्जाम हुआ, जब तक फाइनल रिजल्ट आया, तब तक उनकी संख्या 45-46 हज़ार से ऊपर निकल गई। और इस बात को आप भी जानते हैं, लेकिन ये आपको 40,000 का आंकड़ा है। इस बार 24-25 में जो निकाले हुआ है और नोटिफिकेशन आया हुआ है जीडी का, उसमें मुझे विश्वास है, मैं हालांकि दावा तो नहीं कह सकता और मेरा खुद का अनुमान है कि लगभग ये संख्या लगभग 50-55 हज़ार के समथिंग पहुंच जाएगी। बच्चों, तो जो मेरे भाई एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं और मन बना लिया है कि मुझे एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है, वैकेंसियाँ भी ठीक ठाक हैं, तो उसमें आप फॉर्म ऑनलाइन करिए। कोई भी व्यक्ति छोड़िए मत, कोई व्यक्ति छूटे नहीं, सब लोग फॉर्म जिनकी हाइट वगैरह कंप्लीट है, 10th पास हैं, वो सभी लोग इसमें फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सेशन बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके जरूर देख लीजिए हाइट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और पद कितने हैं, और सब मैंने सब कुछ बताने का उसमें प्रयास किया है। तो इसमें मैं केवल केवल आपको सिलेबस बताऊंगा, सिलेबस क्या रहेगा एसएससी जीडी का, क्योंकि सिलेबस ही सब कुछ होता है। सिलेबस के माध्यम से ही आपने देखा होगा कि फाइनल कट ऑफ लगती है, वह आपकी एग्जामिनेशन कट ऑफ के आधार पर लगती है। आप चाहे रेसर कितने अच्छे हो, फिजिकल आपका कितना भी अच्छा हो, मेडिकल कितना भी अच्छा हो, बट लेकिन जो कट ऑफ लगेगी वो मोस्टली आपके जो एग्जाम है उसके आधार पर लगती है, आपका स्कोर कितना अच्छा है उसके आधार पर लगती है। तो मेरा अनुरोध मित्र यही है कि आप इस सिलेबस को देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस ही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा बच्चों। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट मेरी यह है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि जो भी सेशन बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो सिलेबस है उसकी कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरे पास है। इसका एग्जाम कब होगा, तो उससे पहले मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो मेरे हाथ में है उसका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। आप जो एसएससी कुछ भी पूछिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर दीजिए इसको। देखिए मित्र, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके सिलेबस के बारे में, तो लेकिन छोटी सी कुछ जानकारी है। जैसे आपको पता है कि इसका जो फॉर्म है वो 5 सितंबर 2024 से ऑनलाइन इसका शुरू हो जाएगा। कब? 5 सितंबर 2024 से इसका फॉर्म है वो इसका ऑनलाइन शुरू हो चुका है शिक्षक दिवस के अवसर पर। और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, तो 14 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है और 5 सितंबर से ये शुरू हो चुका है बच्चों। इसके साथ साथ इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वह स्पष्ट कर दिया है, जनवरी और फरवरी। हो सकता है मेरे भाई इसका एग्जाम जनवरी में ले लिया जाए, हो सकता है 1 जनवरी से ले लें, तो आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 से 4 महीने समथिंग मान लीजिए आप, 4 महीने में मैं आपका सिलेबस करा दूंगा, इस बात का दावा है। ठीक है, सिलेबस क्या है आपको बताता हूँ। और एक चीज़ और, इसमें 11 नवंबर और से लेकर के 13 नवंबर इसमें करेक्शन डेट है, जो फॉर्म ऑनलाइन करेंगे आप उसमें करेक्शन डेट दी हुई है 11 नवंबर से 13 नवंबर। 2 दिन ये साइट खुली रहेगी, आप में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो वहाँ पर आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। बच्चों आगे ध्यान दीजिए, अब देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ लगभग 40,000 के समथिंग इसमें पद निकले हुए हैं, 39,481 पद हैं इसमें। ठीक है, और इसमें कैटेगराइज सब कुछ दिया हुआ है, मेल के इतने हैं, मेल के लगभग देखा जाए तो 35,612 पुरुषों के हैं और 3,869 पद हैं वो महिलाओं के हैं। इसमें BSF के सबसे अच्छे पद हैं, इसमें कैटेगराइज दिया हुआ है, SC कितने, ST कितने, OBC कितने, जनरल कितने, सब ये आंकड़ा इसमें दिया हुआ है बच्चों।
इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इसका जो एसएससी जीडी ने सिलेक्शन प्रोसेस बताया है कि हम इस तरीके से बच्चे का कैंडिडेट का सिलेक्शन लेंगे, तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है। आप सोचें ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ऑफलाइन ये ऑनलाइन है बच्चों, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसे कहा जाता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर आपका एग्जाम हो जाता है तो एग्जाम के बाद आपका फिजिकल लिया जाएगा, टेस्ट वगैरह और उसके जो भी प्रोसेस हैं वो शारीरिक परीक्षण इसका आप में उसमें किया जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसके बाद आपका मेडिकल होगा, जो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट देखा जाएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा उसमें, उसके बाद मेडिकल होगा, क्या होगा मेडिकल, मेडिकल आप सही तरीके से फिट हैं, उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी, और फाइनल कट ऑफ किसकी लगेगी, वो आपने एग्जाम दिया है और एग्जाम का क्या सिलेबस है तो वो आप देखिएगा। अब आपको एग्जाम का सिलेबस दिखाता हूं, जैसे सबसे पहले ये एग्जाम का सिलेबस है बच्चों, पार्ट वन में है, पार्ट वन है, पार्ट वन देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन दो नंबर का होगा, मतलब 20 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे बच्चों, ठीक है। पहली बात 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, इसमें आपको 40 नंबर मिलेंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट होगा बी पार्ट, वो जनरल एविडेंस जनरल नॉलेज, मतलब करेंट अफेयर प्लस जीके होगा, इसे जनरल एविडेंस और जनरल नॉलेज कहा जाता है। तो ये भी आपके मित्र कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे और एक आपको 40 नंबर मिलेंगे, इसका भी एक क्वेश्चन का दो नंबर है बच्चों, जनरल एविडेंस का जिस तरीके से रीजनिंग का एक क्वेश्चन का दो नंबर है, उसी तरीके से जो तीसरा पार्ट है पार्ट सी है वो आपका मैथामेटिक्स होगा, मैथामेटिक्स से 20 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वह दो नंबर का होगा, इस तरह 40 नंबर आपको मैथ मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप हिंदी या इंग्लिश इसमें एक सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि आपकी इंग्लिश बेस्ट है तो इंग्लिश चुनिए, हिंदी बेस्ट है तो हिंदी को चुनिए, हिंदी के भी और इंग्लिश के लगभग इन दोनों में से किसी एक को चुनने का 20 क्वेश्चन होंगे और आपको 40 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से आपने देखा 80 क्वेश्चन होंगे, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, क्वेश्चनों की संख्या आपकी 80 है और मार्क्स कितने हैं, नंबर कितने हैं तो बता सकते हैं 160 मार्क्स हैं बच्चों, ठीक है, मतलब 80 क्वेश्चन पे आपके 160 नंबर मिलेंगे। ये बच्चों आपका सिलेबस है, ये पार्ट आएंगे, चार पार्ट पे आपका सिलेक्शन निर्भर है, रीजनिंग मैथ जीके या जनरल अवेयरेंस और हिंदी या इंग्लिश, इनमें से कोई एक, ठीक बच्चों। अब देखिए इनके बारे में बेसिक तरीके से बता देता हूँ, सबसे पहले जो रीजनिंग वाला पार्ट है जो 20 नंबर का आएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे और जो 40 नंबर आपको देगा, इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, संख्यावाद आते हैं, और इसके बाद डाइस आता है, कैलेंडर आता है, मिरर आता है, सिटिंग अरेंजमेंट आता है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग आते हैं, अंकगणित श्रृंखला आता है, ये आपको स्थानीय अव्यक्त आ सकता है, स्थानीय परिदृश्य आ सकता है, और इसके साथ साथ रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। मतलब मेरा ये है कि आप रीजनिंग के लगभग मैं जानता हूँ 20 टॉपिक क्लियर कर लेंगे, सिंपल सिंपल वाले, तो मैं जानता हूं आप उसमें रीजनिंग में 20 में से 15 16 17 क्वेश्चन बड़े आराम से कराएंगे बच्चों। हालांकि 100 में 100 कोई नहीं कर पाता है, बट मैं आपसे कहूंगा कि रीजनिंग में मैं आपको 15 से 20 टॉपिक बता दूंगा, हालांकि 15 से 20 टॉपिक बता दूंगा रीजनिंग के, उसमें आपके लगभग 15 16 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो लगभग आपको 30 से 35 क्वेश्चन देंगे, 30 से 32 क्वेश्चन आपको दे देंगे बच्चों, ठीक है। ये रीजनिंग का है, रीजनिंग आपकी 20 मैंने बता दिया, 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से आप जनरल अवेयरेंस देखेंगे, जिसमें जनरल अवेयरेंस में आप देखेंगे सबसे पहले करेंट अफेयर, करेंट अफेयर मित्र मैं आप पर डे पढ़ाता हूँ, डेली आपकी 7:30 बजे तक क्लास आ जाती है, आपके चैनल पर आपको देखने की मिल जाएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, 7:30 बजे तक क्लास आ जाती है। जनरल करंट अफेयर में चाहे इंटरनेशनल रिलेशनशिप हुआ या नेशनल जो भी इवेंट्स होती हैं उनके बारे में, या स्पोर्ट्स करंट अफेयर हुआ, इसमें सब कुछ पूछा जाता है, उसके बारे में विस्तृत तरीके से बताऊंगा मैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप पाएंगे कि जो जैसे ज्योग्राफी हुआ, भूगोल हुआ, आर्थिक परिदृश्य हुआ, सामान्य राजनीति हुआ, भारतीय संविधान हुआ, वैज्ञानिक अनुसंधान हुए, इतिहास हुआ, खेल परिदृश्य हुआ, ये सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स जनरल साइंस से संबंध क्वेश्चन आएंगे, इनकी करंट अफेयर शायद इनकी संख्या 20 होगी क्वेश्चनों की, नंबर आपके 40 होंगे बच्चों।
तो मैं बताना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं जीएस के सारे फ्री से बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। एक बात कहूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, मेरा वादा है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं मेरा बैच परचेज करिए, ये आप मुझसे फ्री देना चाहता हूं आपको। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं फ्री पढ़ाऊंगा, इस बात का दावा है। मैं कभी झूठे वादे नहीं करता हूं, बिल्कुल आपको सब कुछ फ्री दे दूंगा। केवल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद आता है मैथ। गणित में आप देखेंगे जो मैथमेटिक्स में आप पेपर देखेंगे तो पूर्णांक संख्याएं गणना, दशमलव, भिन्न, और उसके बाद परसेंटेज, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, क्षेत्र, मिति, समय और दूरी संबंधी, ये संबंध, इनसे संबंध क्वेश्चन आएंगे। और मोस्टली अनुपात और समानुपात, समय, कार्यता, इनसे संबंध क्वेश्चन अधिक मात्रा में पूछे जाएंगे मित्र। इससे मैं आपको बताना चाहूँ कि लगभग 10 से 15 चैप्टर आप क्लियर कर लीजिए, अध्याय क्लियर कर लीजिए जो इसमें दिए हुए हैं, तो मैं जानता हूं आप 35 क्वेश्चन, 35 नंबर गेन कर ले जाएंगे। लगभग आप मान चलिए 15 से 17 क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं बच्चों, और यही सिलेक्शन के लिए आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद आप पाएंगे, मैंने वादा किया है कि आपसे कि मैं सिलेबस में कराऊंगा, चिंता ना करें, मेरे पास मेज कराऊंगा, मेरी टीम कराएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप इंग्लिश या हिंदी में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलो आपने हिंदी सेलेक्ट किया, हिंदी में आप सबसे पहले देखेंगे कुछ सेंटेंस आते हैं, उन्हें शुद्धिकरण के लिए आता है, शुद्धिकरण पूछा जाता है, मुहावरे आते हैं, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, और गद्यांश आएगा, गद्यांश से सेलेक्ट करने पड़ेंगे क्वेश्चन। तो आप हिंदी चुनेंगे तो यहाँ से ये क्वेश्चन आने, थोड़ी सी ग्रामर आ जाएगी, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मित्र। इसलिए मेरा अनुरोध आपसे यही है कि अगर आपका मन है तैयारी करने का, और मैं तो आपसे कहूंगा अगर आपकी हाइट अच्छी है और 10th पास कर रखा है, आपने एसएससी ने जो नोटिफिकेशन में जो आपको एबिलिटी दी है, शर्तें दी हुई हैं उसको कंप्लीट करते हैं तो आप 100% फॉर्म भरिए। बेशक आपने कहीं एग्जाम और दे रखा हो वो एक बात की चीज है, लेकिन अभी आप फॉर्म जरूर ऑनलाइन करें बच्चों, ये मेरी आपसे स्पेशल तरीके से रिक्वेस्ट है। और दूसरी रिक्वेस्ट फिर आपसे करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं वादे के दावा के साथ कह सकता हूं, वादा है मेरा, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं इस मामले में, आपका सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, इस बात का दावा है मेरा, टोटल सेशन जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कराऊंगा। और मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप बेस्ट मेरा परचेज करिए, आप ये करिए, बुक करिए, सारी चीजें आपको फ्री दूंगा, बिल्कुल गिफ्ट में इस तरीके से उपहार में दे दूंगा, बस आप लेने के लिए तैयार हो जाइए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर हमें इतने इतने घंटे पढ़ाओ, मैं उतने इतने घंटे आपको लाइव क्लास दूंगा, मैं चिंता ना करें, और आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ये मेरा वादा है, मैं और मेरी टीम देगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ आपसे ये कहूँगा कि आप ठीक से तैयारी करें, अपने घर का, परिवार का और गाँव का नाम रोशन करें, विशेषकर अपने माँ बाप का, क्यों माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। सब लोग साथ छोड़ देते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो साथ देते हैं, लेकिन सबसे देखो सबसे अच्छे जो आपका भला चाहने वाले हैं केवल माँ बाप हैं, और सबसे अच्छा जो दोस्त होता है वो भाई होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे यही है कि यदि अपना घर का, परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने घर की गरीबी दूर करना चाहते हैं, तो आप एक बार ठीक तरीके से 4 महीने मुझे दे दीजिए, बस केवल मैं वादा करता हूँ कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा, ये निश्चित है। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं मिलेगी, मैं ठीक तरीके से, उचित तरीके से पढ़ाऊंगा, मेरा काम पढ़ाना है, पढ़ाऊंगा उसमें। और मुझसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं क्लास शुरू कर दूंगा 1-2 दिन में, सबसे पहले जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी सब के बच्चों, ठीक है। नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।